आज हम लोग इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इसका अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता और जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अध्ययन करना है, एक तो हम देख लें कि हम किन किन टॉपिक का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो एक टॉपिक है कि इसकी उत्पत्ति, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। दूसरा हम अध्ययन करेंगे इसकी विशेषता का कि इस सभ्यता की क्या विशेषता है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका होगा ये होगा इसका पतन। और चौथा हम इसमें अध्ययन करेंगे इसकी निरंतरता, राइट। और जो विशेषता है सिंधु सभ्यता की विशेषता का जब अध्ययन करेंगे तो इसी विशेषता के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन की बात करेंगे, इससे सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करेंगे और इसके भौगोलिक विस्तार और अदर एस्पेक्ट का भी अध्ययन करेंगे। तो विशेषता के अंतर्गत ही अदर जो पार्ट है इंडस सिविलाइजेशन का, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, इससे कि ओरिजिन किस प्रकार से हो रही है ना, इस सभ्यता की उत्पत्ति। अब हम लोग जानते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन एक आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता है जिसके संदर्भ में हमें लेखन कला के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन वर्तमान में हम उसे पढ़ नहीं सके हैं। इस स्थिति में जो इंडस सिविलाइजेशन है, जो सिंधु सभ्यता है, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इस कारण से इसके जो उत्पत्ति हैं उसके संबंध में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रचलित हैं। लेकिन जब मेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंडस सिविलाइजेशन एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो सिविल सेवा परीक्षाओं का जो प्रश्न होता है उसके जो नेचर होते हैं, उसकी जो प्रकृति होती है, उसके अंतर्गत जब हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं तो उस विषय वस्तु के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या करना होता है कि आपको एक परिचय लिखना पड़ता है, एक भूमिका लिखना पड़ता है। और इससे परिचय और भूमिका यानी जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, इससे हम विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं। और फिर इस विषय वस्तु में जो मूल इसकी संरचना है इस क्वेश्चन का, उस संरचना की बात करते हैं। और फिर हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग इससे विषय वस्तु का अध्ययन सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने का तरीका क्या है कि एक तो भाषा पर आपके नियंत्रण होनी चाहिए, क्योंकि भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। और कॉम्पैक्ट अगर आप लिखेंगे, पूरी तरह से ठोस लिखेंगे, तो आपको मार्क्स मिलती है। ये अवधारणा भी अब तो खत्म हो चुकी है, खास करके मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से, कि मार्क्स से मानव विज्ञान केवल इंग्लिश मीडियम में हो सकती है। क्योंकि इस बार 2020 का जो टॉपर है, हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं, तो हिंदी मीडियम के टॉपर का भी जो हाईएस्ट मार्क्स ऑप्शनल में है वो एंथ्रोपोलॉजी से ही है, 273 मार्क्स है, ठीक है, पूरे हिंदी मीडियम में। तो एंथ्रोपोलॉजी आप लेकर के आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, कोई अंदर से कोई फीलिंग नहीं रखनी है। और हमने जो वर्क किया है वो हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर सेम सिमिलर रहता है, तो इसमें भाषा पर आपको नियंत्रण रखनी है।
चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी परिचय की, इसकी भूमिका की। तो भूमिका जब हम लिखेंगे तो उसमें दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहले आपको लाइन लिखना है कि सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है जिसमें लेखन कला के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके हैं, और इसलिए सिंधु सभ्यता का अध्ययन मूलतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति के प्रश्न के संदर्भ में मुख्यतः दो तरह के सिद्धांत प्रचलित हैं। एक सिद्धांत जो है आपको विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है या आकस्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, और दूसरा जो है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है या क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिखें। जब इंट्रोडक्शन में आप ये बात करते हैं तो फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे इसके संरचना के अंतर्गत जो दो बातें हमने की, एक तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, या अकस्मात उत्पत्ति का सिद्धांत। है ना, दोनों को और के रूप में भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। है ना, पहला इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको बात करनी है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत या अकस्मात उत्पत्ति का सिद्धांत, क्योंकि कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति अकस्मात हुई थी, इस कथन की विवेचना करें। तो इसमें भी जो विदेशी थॉट है उसको जानना पड़ेगा कि क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरा, हम स्वदेशी की बात करते हैं या क्रमिक उत्पत्ति की बात करते हैं, इन दोनों चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि इस तरह के जो विचार का प्रतिपादन किया गया है तो इसके मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? मुख्य प्रतिपादक, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना, कि इसके जो मेन प्रोपोंडर हैं, मेन प्रतिपादक जो हैं ये कौन हैं। तो इसमें दो पर्सन हैं, एक तो हैं डीएच गॉर्डन और दूसरा है मार्टिमर व्हीलर। और फिर इसके बारे में भी आप प्रतिपादक के बारे में बात करें कि कौन है, तो इसमें पहला जो नाम आता है वो अल्चिन दंपति का आता है, अल्चिन एवं अल्चिन, है ना, अल्चिन दंपति ये हैं। और दूसरा डीपी अग्रवाल एवं अधिकांश भारतीय विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश भारतीय विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। तो इसके बाद का जो मूल चीज है कि ये जो प्रतिपादक हैं ये अपने जो इनके सिद्धांत हैं उसके बारे में क्या बात करते हैं, क्या इनका लॉजिक है, क्या इनका तर्क है, हमें इसको जानना है। और फिर हमें इस बात को देखना है कि जो तर्क वो दे रहे हैं ये तर्क जो है इसके पक्ष में क्या वो साक्ष्य दे रहे हैं, और जो साक्ष्य दे रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसके लिमिटेशंस को देखेंगे, उसमें कमियां को देखेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में इसकी उत्पत्ति अकस्मात या
विदेशी उत्पत्ति हुई है या स्वदेशी हुई है। तो एक तरह से हमें इन चीज़ों को ध्यान से देखना है, लेकिन आपको सिस्टमेटिक लिखना है। जब आप बात करते हो कि उत्पत्ति के प्रश्न की विवेचना करते हो तो आपको सिस्टमेटिक इस पर लिखना है। तो ये लोग जो लॉजिक दे रहे हैं और इनका जो तर्क है या जो विचार है, इनका विचार है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता के लोगों द्वारा सिंधु क्षेत्र का औपनिवेशीकरण करने के कारण हुआ था। ध्यान ये रखना, दरअसल ये विद्वान इतिहास के साम्राज्यवादी जो विचारधारा है उससे प्रभावित थे, और साम्राज्यवादी विचारधारा के जो इतिहासकार हैं उनका ये बात मानना था कि भारत में जो कुछ भी पॉजिटिव है ये बाहर से आया है। चूँकि इसके पहले वैदिक काल से हमारा इतिहास शुरू होता था, और वैदिक काल से जो इतिहास शुरू होता था तो वैदिक आर्यों की संस्कृति को भी इन लोगों ने विदेशी उत्पत्ति करार दिया था कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए हैं। जब इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी प्रॉपर वे में 1921 ईस्वी में हुई तो जो अंग्रेज इतिहासकार थे, विद्वान थे, उनके सामने चुनौती आई कि भाई अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता से प्रेरित है। एक बात तो ये कह रहे हैं, और ये प्रेरित को कह रहे हैं कि ये औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, और चूंकि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया अकस्मात की गई थी इसलिए इसकी उत्पत्ति अकस्मात है। देखो, लॉजिक हमेशा ध्यान में रखना है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया की जो सुमेरिया सभ्यता है उसी से प्रेरित होकर सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति होता है। उससे प्रेरित होकर सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे होता है, इनका लॉजिक है कि मेसोपोटामिया की जो सुमेरिया सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से पूर्ववर्ती है। ध्यान ही रखना, ये कह रहे हैं कि सुमेरिया सभ्यता जो है ये सिंधु सभ्यता से पूर्ववर्ती है, यानी पहले का है। ठीक, दूसरा ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया के सुमेरिया के लोगों ने पहले नगरीय संस्कृति का विकास किया था। पहले नगरीय संस्कृति के अंतर्गत जो सभ्यता है उसके टेक्नोलॉजी का विकास किया था। जब उन लोगों ने इस क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया, इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया, तो चूंकि सुमेरिया में तकनीकी विकास हो चुका था तो उसी तकनीकी को ला करके और इन लोगों ने बहुत शीघ्र सिंधु क्षेत्र में नगरीय सभ्यता का विकास कर लिया। ये इनका लॉजिक है, इनका तर्क है, और इस तरह से सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति होती है यह अकस्मात होती है। अब ये जो इनका लॉजिक है, इस लॉजिक के पक्ष में ये तर्क क्या क्या देते हैं, ध्यान में ये रखना है कि जो विदेशी उत्पत्ति है का सिद्धांत, तो इस विदेशी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत आपने एक तो देखा कि मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से ये प्रेरित है, प्रभावित है, या उनकी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है और इसलिए ये अकस्मात है। तो इसके लिए ये तर्क और प्रमाण क्या दे रहे हैं, दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
तो तर्क के रूप में इन्होंने कहा कि वो पूर्ववर्ती है, कालक्रम में भी इससे पहले है, वहाँ पहले सभ्यता का विकास हुआ, उन्होंने इस क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया। और प्रमाण के रूप में ये कह रहे हैं कि चूंकि यह मेसोपोटामिया के सुमेरिया सभ्यता से प्रेरित थे, इसलिए सिंधु सभ्यता एवं सुमेरिया सभ्यता में कई समानता है। चूंकि सुमेरिया के लोगों के प्रभाव स्वरूप सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, और इसलिए सिंधु सभ्यता और सुमेरिया सभ्यता में कई समानताएं हैं। अब ये समानता क्या क्या है, ये क्या क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि दोनों नगरीय सभ्यता है, ध्यान ये रखना है, दोनों क्या है, नगरीय सभ्यता है, दोनों ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है, दोनों में मनके का इस्तेमाल किया गया है, दोनों में लिपि का प्रचलन है, दोनों में मृदभांड का प्रचलन है, दोनों में ईंट का प्रयोग घरों के निर्माण में किया जा रहा है, और दोनों ही सभ्यता जो है एक दूसरे के लगातार कांटेक्ट में भी रही है। इसके आधार पर ये बात कह रहे हैं कि ये समानताएं सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता में इस कारण से विकसित हुई क्योंकि सुमेरिया के लोगों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनके प्रभाव स्वरूप सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार या स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत वाले इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है, इनकी जो है आलोचना की है, ठीक है, ये बात ध्यान में आपको रखना है कि इन लोगों ने इनकी आलोचना की है। कौन? जो स्वदेशी उत्पत्ति की बात करते हैं, जो क्रमिक उत्पत्ति की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इनके जो प्रमाण हैं, इनके जो तर्क हैं, वह प्रासंगिक नहीं है, वे सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की प्रश्न की गलत व्याख्या करते हैं। कैसे? तो ये आलोचक जो हैं वो कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता एवं सुमेरिया सभ्यता में मूलभूत अंतर है, ये बात ध्यान में रखना है। ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल डिफरेंसेस है सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता में। कैसी कैसी फंडामेंटल डिफरेंसेस है, इसमें 5-7 पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ जिसको आपको नोट करनी है, आपको लिखनी है कि कैसे दोनों सभ्यताओं में मूल रूप से अंतर है। यह सच है कि दोनों सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के नगर जो हैं वो नियोजित हैं, प्लांड हैं, नियोजित प्रतिरूप पर निर्मित हैं। सुमेरिया के नगर अनियोजित हैं, अनप्लांड हैं, यानी सुमेरिया के नगरों में सड़कें जो है बहुत प्लानिंग के साथ नहीं बनी हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में आप देखोगे तो सिंधु सभ्यता में आम तौर पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और सड़कें सीधी रेखा में जाती है, जबकि मेसोपोटामिया के सुमेरिया जो सभ्यता है उसमें सड़कें टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है और वह अनियोजित भी है। दूसरा, दोनों ताम कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन सुमेरिया में जहाँ ताम्र और कांस्य के हथियारों का उपयोग ज़्यादा है, यानी युद्धास्त्र का भी उपयोग वहाँ पर ज़्यादा है,
जबकि सिंधु सभ्यता के लोग औजार उपकरण का निर्माण कर रहे हैं ताम्र कांस से। तो यहाँ भी डिफरेंसेस है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन लोगों ने कहा कि दोनों सभ्यताओं में लिपि का प्रचलन है, ठीक है, लिपि का प्रचलन है, लेकिन सुमेरिया सभ्यता की लिपि को पढ़ा जा चुका है क्योंकि वो किलाक्षर लिपि थी, और मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसे अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं क्योंकि यह चित्रलिपि थी। तो अगर दो सभ्यताओं में समानता थी और इसके निर्माता एक तरह के थे तो लिपि में समानता होनी चाहिए थी। लिपि में तो मूलभूत अंतर है, दोनों की लिपियों की बात करोगे तो बहुत ही अंतर है, मेजर अंतर है। अगर सिंधु सभ्यता के निर्माण में मेसोपोटामिया का योगदान होता, सुमेरिया का योगदान होता, तो अब तक हम लिपि पढ़ लिए होते। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता में दोनों में भवनों के निर्माण में ईंट का प्रयोग किया गया, ये सही है, लेकिन जहाँ सुमेरिया के लोग मुख्यतः कच्ची ईंट का उपयोग कर रहे हैं वहीं सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंट का प्रयोग कर रहे हैं, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ी डिफरेंसेस क्रिएट करता है क्योंकि यहाँ के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ के लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोनों के बीच जो डिफरेंसेस का, तो सिंधु सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है, देखो सिंधु जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती थी, राइट, और नदियों में बाढ़ भी पर्याप्त आया करती थी। तो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नगरों में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही साइंटिफिक और बहुत एडवांस बने हुए हैं, जबकि सुमेरिया में इस तरह के ड्रेनेज का निर्माण देखने को नहीं मिलता है। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुमेरिया में मंदिर, राइट, सुमेरिया सभ्यता में जिगुरत के अवशेष मिलते हैं जो मंदिर है वहाँ का। सिंधु सभ्यता से अभी तक कोई भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, टेंपल का प्रमाण नहीं मिला है। इसके अलावा सुमेरिया के लोग खेतों में सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग खेतों में सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग नहीं करते थे, ये ज़्यादातर कुओं का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो दोनों में मूलभूत अंतर है, और इसलिए अधिकांश आधुनिक विद्वान कहते हैं कि यह जो थ्योरी है, यह जो विदेशी उत्पत्ति या अकस्मात उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, यह सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के प्रश्न की व्याख्या सही संदर्भ में नहीं करती है। तो एक तो आपको इस तरह से इस चीज़ को आपको समझ के रखना है, और इस तरह से इससे आधार पर आप इससे पूरे एक जो अप्रोच हमने बात किया, इस अप्रोच का खंडन करेंगे डिस्कशन करके, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ बताया, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो स्वदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि अल्चिन एवं अल्चिन दंपति तथा डीपी अग्रवाल ने इसका प्रतिपादन किया, और अधिकांश आधुनिक विद्वान इसका समर्थन भी करते हैं, ठीक है। तो इनकी तर्क क्या है, ठीक है, तो देखो तर्क कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति एक क्रमिक सांस्कृतिक उद्विकास की प्रक्रिया का प्रतिफल है जो इस क्षेत्र में निवास करने वाले स्थानीय लोगों के द्वारा विकसित की गई है, यानी स्थानीय भूगोल, स्थानीय पर्यावरण पारिस्थितिकी के से समायोजन के क्रम में यहाँ के लोगों ने जिस तरह के क्रमिक सांस्कृतिक विकास का प्रदर्शन किया उसी का प्रतिफल है सिंधु सभ्यता का उद्विकास या उसकी उत्पत्ति। हाँ, इसमें हो सकता है कि अदर सभ्यताओं का कुछ योगदान हो, लेकिन यह सभ्यता अपनी मौलिकता का परिचय देता है। अब इनके तर्क क्या हैं, इनके लॉजिक क्या है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यह क्रमिक सांस्कृतिक विकास का प्रतिफल है, क्रमिक सांस्कृतिक विकास का परिणाम है। यानी इनका कहना है
कि ऐसा नहीं है कि ये अकस्मात है, और ऐसा भी नहीं है कि विदेशी ये उत्पत्ति इसकी है। ये कह रहे हैं कि क्रमिक रूप से जो इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने श्रम का, अपने तकनीकी विकास का, अपने पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, और उसके माध्यम से ये सभ्यता विकसित होती है। यानी इसकी अगर उत्पत्ति के प्रश्न की विवेचना करनी हो तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका किस प्रकार से क्रमिक विकास होता है। तो इसके क्रमिक जो सांस्कृतिक विकास होता है, इसको दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करें नवपाषाण काल के बाद, तो एक चरण है जिसको हम कहते हैं आद्य हड़प्पा या प्राक हड़प्पा। ये चरण है 6000 से लेके 3500 BC, राइट। दूसरा चरण है आरंभिक हड़प्पा, ये है 3500 से 2800 BC, और तीसरा चरण है हड़प्पा या विकसित हड़प्पा। BC से लेके आपको 1800 BC तक, राइट। इस वर्ग के विद्वान ये बात कह रहे हैं कि अगर हमें सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के प्रश्न की व्याख्या करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले से देखना होगा कि किस तरह की सांस्कृतिक प्रक्रियाएं पहले से दिखाई दे रही आ रही है। इसके पहले हम नवपाषाण की बात करते हैं, और हम लोगों ने ये चर्चा की है प्राक इतिहास में कि मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ जो साइट है, उस मेहरगढ़ साइट में 7000 BC में नवपाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ था। 7000 BC में नवपाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ था। उस मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद, ये दोनों उसी इलाके में स्थल हैं, मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद। यह प्रमाण के साथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स तब आएगा जब आप किसी भी चीज़ को एविडेंस के साथ प्रस्तुत करेंगे, और हम लोग तो मार्क्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि सिविल सेवा की जो तैयारी होती है इसमें हम मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, इसलिए जब आप मार्क्स के लिए पढ़ते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर कट आपकी समझ होनी चाहिए और आपको क्लियर कट एविडेंस देना चाहिए। अब ईश्वर के विद्वान कह रहे हैं कि ये जो पीरियड है मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद दोनों में, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। यानी नवपाषाणिक संस्कृति के बाद ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रमाण मिलता है। यानी कि नवपाषाण से भारत में संस्कृति का विकास ताम्रपाषाण में प्रवेश करता है। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति का जो विकास मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद में दिखाई देता है, तो ताम्र धातु का एग्रीकल्चर में उपयोग करने से सरप्लस प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। यानी कि यहाँ अधिशेष की मात्रा में वृद्धि होती है, कृषि अधिशेष की मात्रा में वृद्धि होती है, और अधिशेष की मात्रा में वृद्धि जो हो रही है तो इसका दिखाई क्या दे रहा है कि ताम्रपाषाणिक जो मेहरगढ़ है या किले गुल मोहम्मद है, जो प्राखरपा चरण है, उसमें जनसंख्या में वृद्धि होती है नवपाषाण काल की अपेक्षा। अपेक्षाकृत बड़े गांवों का विकास होता है, और यहाँ आकर के मिट्टी के नरकुल के भवनों का निर्माण भी होने लगता है। पहले हम लोग झुग्गी झोपड़ी की बात करते थे या मिट्टी के घर की बात कर रहे थे, अब ये लोग खपरेल घरों का निर्माण भी करना शुरू किए हैं।
एक और चीज़ ये लोग बात कर रहे हैं जो बड़ा नोटिस लेने वाली बात है कि पत्थर आम तौर पर पत्थर उपलब्ध था पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में, लेकिन ताम्र धातु का कॉन्सेंट्रेशन किसी खास क्षेत्रों में था। तो ताम्र धातु का कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी खास क्षेत्रों में था तो जिन क्षेत्रों में ताम्र धातु उपलब्ध नहीं थी उस क्षेत्र के लोग ताम्र धातु को ट्रेड के माध्यम से प्राप्त करते होंगे। तो यहाँ से एक और नई चीज़ हमारे संस्कृति में डेवलप होती है कि लघु दूरी व्यापार, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड की शुरुआत होती है। और जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड की शुरुआत होती है, इस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड की शुरुआत से एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आते हैं, जिसका संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि इस पीरियड में आकर के जो हमारा क्राफ्ट इंडस्ट्री है, हस्तशिल्प उद्योग है, उसमें विविधता का की शुरुआत होती है। और इसलिए इस वर्ग के विद्वान कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के आधार का निर्माण यहाँ से शुरू होता है। तो एक पैराग्राफ तो आप इस पे लिखेंगे कि यहाँ से एक संस्कृति अपने अगली दिशा में बढ़ती है, और अगली दिशा में जब संस्कृति बढ़ती है तो पहले से ये संस्कृति एडवांस है। अब दूसरा जो चरण हमने यहाँ लिखा है, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। अब ये बात ध्यान में रखना है कि आरंभिक जो हड़प्पा संस्कृति है, जिसका काल आपका है 3500 से 2800 BC, इस चरण में कुछ साइट्स का हम नाम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। ध्यान रखना है कि इस चरण में साइट्स जो है कोट दीजिए है, ठीक है। कुछ साइट देखो इसलिए लिखा जा रहा क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि इतिहास का जो सेक्शन है, आमतौर पर इतिहास के विद्यार्थियों का भी यह कहना होता है कि इतिहास में नंबर बहुत कम मिल रहे हैं, ठीक है। उसकी अंतर्गत भी अगर आप साइंटिफिक बात करेंगे, आप पे करेक्ट चीज़ें रखेंगे, एविडेंस के साथ रखेंगे, तो आपको मार्क्स मिलती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ हम कुछ साइट की बात कर रहे हैं, कोट दीजी की बात कर रहे हैं, अमरी की बात आपको करना है, कालीबंगा की बात करना है। जो नए स्टूडेंट होंगे उनको ध्यान में ये बात रखना है, जब हम कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा में आरंभिक हड़प्पा चरण के भी साक्ष्य हैं और विकसित हड़प्पा चरण के भी साक्ष्य हैं, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। कालीबंगा भी हम इसमें शामिल करते हैं। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण साइट है मुंडेगा, राइट। इसमें क्या होता है आप देखें, ये चार प्रमुख साइट है, और भी साइटों की हम बात करेंगे। जैसे एक बनावली है आपका हरियाणा के, एक चोलिस्तान है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो हो क्या रहा ये हमें देखना है, हमें क्या मिल रहा है इससे, यहाँ से हमें किन किन चीज़ों का साक्ष्य मिल रहा। तो कोट दीजी में 3500 से 2800 BC में क्या हो रहा है, तो कोट दीजी में एक तो दुर्गीकरण का साक्ष्य मिल रहा, दुर्गीकरण का प्रमाण, ये इस पीरियड में हम बात कर रहे हैं कि जो आरंभिक हड़प्पा काल है, हड़प्पा चरण है, इसमें दुर्ग का निर्माण हो रहा, कच्ची ईंटों से उन लोगों ने दुर्ग का निर्माण किया है। और दुर्गीकरण को नगरीकरण की प्रथम अवस्था मानी जाती है, क्योंकि आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण का अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि दुर्गीकरण किया गया है, जो सीटाडेल एरिया है, दुर्गीकृत एरिया है, उसको पूरी तरह से फोर्टिफाइड किया गया है। तो ये तो एक दिखा रहा कि दुर्ग का निर्माण इसी पीरियड में हो रहा, और इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सोसाइटी में दुर्ग का निर्माण किया जा रहा तो सांस्कृतिक विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रहा। आगे हम देखेंगे क्यों दुर्ग का निर्माण किया जा रहा, कि
क्योंकि सामान्य तौर पर दुर्ग का निर्माण ऐसा समाज करता है जिसको ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता वैसे समाजों को हो सकता है जिनके पास पर्याप्त अधिशेष है, यानी पहले से ज़्यादा अधिशेष है। तो एक तो ये रखना है याद। दूसरा, कोट दीजी से जो मृदभांड मिला है, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड को मिट्टी का बर्तन कहते हैं, तो विकसित हड़प्पा जो संस्कृति है इसके जो मृदभांड है वो मृदभांड लाल या गुलाबी रंग की बना हुआ है, उसमें काले रंग से चित्र बनाए हुए हैं, और चित्र जो बने हैं उसमें मछली के सल्क बने हुए हैं या डिलदार सांड बने हुए हैं या आड़ी तिरछी रेखाएं बने हुए हैं या वृत्त छेदी रेखाएं बने हुए हैं। तो इस तरह के जो चित्र जो बन रहे हैं, और जो आपका कोटदीजी का मृदभांड है, मिट्टी का जो बर्तन है, और जो हड़प्पा के विकसित चरण का मिट्टी का जो बर्तन है, उसमें समानता है, बहुत हद तक समानता है। तो एक तो ये माना जा रहा है कि आरंभिक हड़प्पा चरण में जो कोटदीजी में मृदभांड बनता है, उसी मृदभांड की निरंतरता जो है हड़प्पा संस्कृति के विकसित चरण में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसका हड़प्पा सभ्यता के उद्विकास में, उसकी उत्पत्ति में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तीसरा, जो अमरी की बात करते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अमरी यहाँ से इसी चरण में अन्नागार का प्रमाण मिला है, अमरी से। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपनी बातों को फैक्ट्स के साथ रखें, एविडेंस के साथ रखें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स इसी कारण से मिल रहा है क्योंकि हम इसको एक साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं और एकदम से ऑब्जेक्टिवली हम अपनी बात को सामने रखते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो अन्नागार का प्रमाण यहाँ देखिए, और जब आप विकसित हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे यहाँ पर, तो अन्न भंडार गृह या अन्नागार जो है हमें हड़प्पा से मिलता है, हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है, हमें लोथल से मिलता है। तो अन्नागार, अन्न भंडार गृह का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। इसमें सोचने वाली बात ये भी है कि अन्नागार की जरूरत क्यों पड़ी, एक ऐसे समाज में ही अन्नागार बनेगी जिसमें अन्न का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो रहा, और जिस समाज में अन्न का उत्पादन ज़्यादा होगा उस समाज में और क्या क्या गतिविधियाँ हो सकती है। तो जब आप एक खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर होते हैं तो समाज का कोई खास वर्ग स्वयं को कृषि कार्यों में संलग्न न करके किसी अन्य गतिविधियों में संलग्न करेगा, वो आर्ट का डेवलपमेंट कर सकता है, वो साइंटिफिक इनोवेशन कर सकता है कि कुछ विकास होना चाहिए, कुछ थिंकिंग करेगा, कुछ नई चीज़ों की रचना करेगा, इनोवेशन करेगा। तो ये अमरी हमको कह रहा कि उस पीरियड के लोग खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो गए थे। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यह मैं कहने जा रहा हूँ वो आप और ध्यान में रखिएगा कि कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, जूते हुए खेत का साक्ष्य। ये जूते हुए खेत का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला, कालीबंगा से, और इस चरण से मिल रहा। ध्यान ये रखना है कि इसके पहले का चरण जो हमने प्राक हड़प्पा संस्कृति की बात की, तो उस प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत हल से खेती का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। हल से खेती का प्रमाण हमको पहली बार यहाँ मिलता है आरंभिक हड़प्पा चरण में, और ये जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है उसको देखने से ये लग रहा कि एक खेत में, एक मौसम में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता था। जब ये टेक्निक आपने डेवलप कर लिया तो स्वाभाविक है अन्न का उत्पादन ज़्यादा होगा, और चूंकि अन्न का उत्पादन ज़्यादा होगा तो अन्न भंडार गृह का भी निर्माण हमें हो रही है। जब इतने बड़े पैमाने पर अन्न का उत्पादन करेंगे तो समाज को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध होगी, समाज को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जनसंख्या में स्तरीकरण भी होगा, समाज के कुछ लोग
स्वयं को एग्रीकल्चर गतिविधि में संलग्न करके वे स्वयं को अन्य प्रकार की गतिविधियों में संलग्न करेंगे, जहाँ से नए इनोवेशन होंगे, नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होंगे या शिक्षा का डेवलपमेंट होगा, लिपि का डेवलपमेंट होगा, और जो समाज है वह एक ग्रामीण समाज से नगरीय समाज के रूप में रूपांतरित होगा। तीसरा, इसके बाद की जो बातें हैं इसके अलावा, जैसे बनावली और चोलिस्तान, बनावली हरियाणा में है, चोलिस्तान पाकिस्तान में है, यहाँ से मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है, मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है, राइट, दोनों जगह से मिली है। एक तरफ हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिल रहा, तो यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति मिल रही है, तो ये क्या जवाब हमें दे रहा, क्या साक्ष्य दे रहा? ये साक्ष्य दे रहा कि संभवतः यहाँ पर हल से खेत की जुताई प्रारंभ हो गई थी। हम जानते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह नदियों से घिरा हुआ प्रदेश था, जहाँ उपजाऊ मिट्टी थी, प्रतिवर्ष से नदियों में बाढ़ आती थी और दोमट मिट्टी उसमें बिछती थी, तो उसमें हल से जब हम खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा तो इसका मतलब है कि समाज अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करेगी। इसके अलावा मुंडे गांव जो है, यहाँ से सार्वजनिक भवन का प्रमाण मिला है, सार्वजनिक भवन है ना, मुंडे गांव जो है अफगानिस्तान में है ना, दो प्रमुख स्थल इंडस सिविलाइजेशन के अफगानिस्तान में है, एक मुंडी गांव और सुतिर गई, तो वहाँ पर मुंडी गांव से जो भवन मिला उसमें कई कमरे बने हुए थे जो कि सार्वजनिक भवन के रूप में दिखाई दे रहा। इसके बारे में विद्वानों का मानना है कि संभवतः मुंडी गांव मध्य एशिया और हड़प्पा क्षेत्र के जो लोग थे इनके बीच एक मध्यवर्ती स्थल के रूप में विकसित हो रहा था, जहां दोनों क्षेत्र के लोग आकर के अपने व्यापार के वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, इन ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा था। और हम जानते हैं कि इससे एक तो प्रमाण हमें मिल रहा कि अब दीर्घ दूरी यानी लॉन्ग डिस्टेंस व्यापार भी शुरू हो रही है, और दूसरा चीज़ कि हड़प्पा सभ्यता के विकास में व्यापार की भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण रही है। तो इन सारे साक्ष्यों से क्या हो रहा कि इन साक्ष्यों से दिखाई दे रहा कि नगरीय संस्कृति के निर्माण के लिए आधार तैयार हो चुका था, राइट, ये क्रमिक रूप से इस आधार का निर्माण हो रहा, और अल्टीमेटली यहाँ आकर के इस चरण में हड़प्पा सभ्यता का विकास हो जाता है, जिसमें नियोजित नगरों का निर्माण होता है और फिर लिपि का विकास होता है और संस्कृति एक नगरीय अवस्था में प्रवेश कर जाती है। तो इस वर्ग के जो विद्वान हैं उनका यह मानना है कि इंडस सिविलाइजेशन क्रमिक रूप से विकसित हुई है, और ये पहले वाले अप्रोच को खंडित करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में मुख्यतः दो तरह के विचार हैं, एक अकस्मात उत्पत्ति या विदेशी उत्पत्ति और दूसरा स्वदेशी उत्पत्ति या क्रमिक उत्पत्ति। इसमें जो क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत है यह अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जो प्रमाण ये दे रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से जो प्रमाण दे रहे हैं वो प्रमाण काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, और इसलिए इस सभ्यता का विकास मूल रूप से यहाँ के लोगों के द्वारा अपनी स्थानीय पर्यावरण परिस्थितिकी में अपनी खुद की तकनीक के विकास के माध्यम से क्रमिक रूप से किया गया है। यह हो सकता है कि बाहर से ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से
या वैचारिक विनिमय के माध्यम से कुछ तत्व इस सभ्यता में आए हुए हों, लेकिन यह सभ्यता अपनी मौलिकता का परिचय देता है।